सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 19 स्वच्छ घर स्वच्छ गांव का पहला प्रकरण स्वच्छ घर व स्वच्छ गांव के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू पाठ 19 स्वच्छ घर स्वच्छ गांव। मालती स्कूल से आकर अपना बस्ता, जूते, कपड़े आदि फैलाकर बैठ गई। तब उसकी माँ ने समझाया, बेटी अपना सामान स्वयं व्यवस्थित रखना चाहिए। व्यवस्थित होता है कि अपने सामान को सही स्थान पर रखना चाहिए। इससे चीज़ें ढूंढने में समय भी खराब नहीं होता और मन भी खुश रहता है, और यह आदत बन जाए तो सफाई स्वतः ही हो जाती है। तो देखो, आपको नीचे दो चित्र दिखाई दे रहे हैं। चित्र एक में देखो कि कैसे बिखरा हुआ कमरा है और सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है ना। और यहाँ देखो चित्र दो में कितना साफ़ सुथरा व्यवस्थित कमरा है। तब जब हम ऐसे साफ़ और व्यवस्थित कमरे में रहते हैं तो हमारा जो मन है वो खुश रहता है, मन शांत होता है। और जब हम अपने सामान को नियमित रूप से सही स्थान पर रखते हैं, व्यवस्थित रखते हैं, तो सफाई अपने आप ही हो जाती है, हमें करनी नहीं पड़ती, सफाई स्वतः ही हो जाती है। तो इसके बाद देखो कि यहाँ कुछ प्रश्न है कि आपका सामान कौन व्यवस्थित रखता है। तो अभी मुझे पता है कि आपका सामान तो आपकी मम्मी ही व्यवस्थित रखती होंगी, क्योंकि आप अभी छोटे हो, है ना। तो लेकिन आप उनके सामान को व्यवस्थित रखने में मदद कर सकते हैं। तो आज से आप अपना सामान स्वयं व्यवस्थित रखेंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखो कि आपका घर गंदा रहता है या साफ। तो ये तो है ही कि हमारा घर हमेशा साफ रहता है। आपके घर की सफाई में क्या आप क्या योगदान देते हो? तो देखो, सबसे पहले तो आप ये कर सकते हो कि अपने सामान को व्यवस्थित रख सकते हो। दूसरा कि अगर घर से कोई कचरा निकलता है तो उसे आप कचरा पात्र में डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम उनकी सहायता कर सकते हैं। इसके बाद देखो स्वच्छ घर के बाद है स्वच्छ गाँव। मालती ने देखा कि आजकल टीवी, अखबार, रेडियो आदि में स्वच्छ भारत मिशन को लेकर साफ सफाई की बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन मेरा घर तो हमेशा साफ रहता है। तो उसका ध्यान गया कि सभी नेता, अधिकारी, समाज सेवक और आम लोग अपने घर के साथ साथ गांव के सार्वजनिक स्थानों, गलियों, सड़कों आदि की साफ सफाई के लिए भी आगे आ रहे हैं। तो देखो नीचे एक चित्र में कि सभी लोग देखो कैसे मिलकर साफ़ सफाई कर रहे हैं और कचरे को कचरा पात्र में डाल रहे हैं। तो देखो यहाँ बात हो रही थी स्वच्छ भारत मिशन की। ये हमारी भारत सरकार के द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम है, जो कि महात्मा गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर 2014 को और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एक कार्यक्रम चलाया था, सफाई, जिससे कि हमारा देश है वो स्वच्छ होगा। और इस कार्यक्रम का नाम रखा उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन। इसमें सभी आम लोगों के साथ साथ नेता, अधिकारी, समाज सेवक, ये सब अपने घर के साथ साथ गांव की, शहर के सार्वजनिक स्थानों की, जैसे गलियां, सड़कें, बस स्टैंड, इन सब की साफ़ सफाई के लिए आगे आ रहे थे। तो इस तरह से मालती ने टीवी पर देखा। अब ये देखो कि आपको यहाँ कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं कि कैसे इस गांव में सभी लोग मिलकर सफाई कर रहे हैं। कुछ महिलाएं हैं वो कचरे को कहाँ डाल रही है? कचरा पात्र में डाल रही है। अगर हम कचरे को कचरा पात्र में डालते हैं तो इसे क्या है, इधर उधर मक्खी मच्छर नहीं फैलेंगे और उससे हम बीमार भी कम होंगे, बीमारियां नहीं फैलेंगी। इसके अलावा नीचे एक चित्र में देखो कि महिलाएं हैं, एक महिला है और वो शौचालय का प्रयोग कर रही है, यानी हमें शौच हमेशा शौचालय में ही जाना चाहिए, खुले स्थान पर शौच कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर हम खुले स्थान पर शौच करेंगे तो क्या इससे हम बीमार हो सकते हैं, क्योंकि उस शौच पर मक्खियाँ बैठेंगी और वो मक्खियाँ उड़कर हमारे भोजन पर बैठेंगी और ऐसे भोजन को खाने से हम बीमार पड़ सकते हैं। तो देखो यहाँ दो नारे भी दिए हुए हैं, एक कार्य करे भला, स्वच्छ रखे गली मोहल्ला।
है ना। और नीचे लिखा हुआ है कि हमेशा हमें शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद देखो कि फिर यहाँ एक प्रश्न है कि क्या आपके मोहल्ले में सभी घरों में शौचालय हैं। हाँ, आजकल तो क्या है, सभी घरों में शौचालय होते हैं, है ना। और जिनके घरों में शौचालय नहीं है उनको क्या कठिनाई आती है? तो देखो, जिनको घरों में शौचालय नहीं होता उन्हें शौच करने के लिए काफ़ी दूर किसी खाली स्थान पर या जंगल में या जैसे वन में जाना पड़ सकता है। और फिर उन्हें अपने साथ पानी का भी एक पात्र, जैसे कोई बाल्टी या कुछ भी, ऐसे वो लेकर जाना पड़ता है। तो इसीलिए उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। इसके बाद देखो कि सफाई क्यों, यानी हमें सफाई क्यों रखनी चाहिए। तो मालती ने अपनी दीदी के साथ मिलकर दोस्तों की एक टीम बनाई, यानी देखो कि बच्चों ने मिलकर खुद एक अपना दल बनाया और वे घर घर जाकर लोगों को साफ़ सफाई रखने और शौचालय बनाने के लिए प्रेरित करने लगे। उन्होंने सबको समझाया कि घर में कचरा पात्र रखें और उसमें ही कचरा डालें। अपने घर का कचरा गली में डालने से गली गंदी होती है, और जब ऐसे ही एक एक गली गंदी होगी, यानी सारी गलियां गंदी होगी, तो क्या होगा, ऐसे पूरा गांव गंदा होता है और गंदगी से बीमारियां फैलती हैं। कचरा पात्र का कचरा नियत स्थान पर ही डालें और खाने पीने की चीज़ों को प्लास्टिक की थैली में डालकर फेंकने से पशु उस प्लास्टिक की थैली को भी खा जाते हैं और वो बीमार हो जाते हैं। अतः हमें खाने पीने की चीज़ों को प्लास्टिक की थैली में नहीं फेंकना चाहिए। साफ़ सफाई रहने से हमारा मन भी प्रसन्न रहता है। और इसी इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने लोगों को समझाने के लिए जगह जगह उन्होंने साइन बोर्ड और पोस्टर भी लगवाए। तो देखो कि कैसे उन बच्चों ने मिल कर के इस तरह से, ये देखो, इस तरह से उन्होंने जगह जगह साइन बोर्ड वगैरह लगाए, पोस्टर लगवाए, नारे लगवाए कि जिस जिसकी बस्ती साफ रहे उसकी हस्ती अब रहे। और ये देखो कि अगर हम ऐसे प्लास्टिक की थैली में कचरा डालते हैं तो उसे पशु क्या करते हैं, उस कचरे के साथ साथ उस प्लास्टिक की थैली को भी खा जाते हैं और उससे वो बीमार हो सकते हैं और यहाँ तक कि उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए हमें कभी भी प्लास्टिक की थैली में कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए। इसके बाद देखो कि कुछ प्रश्न हैं, क्या साइन बोर्ड और पोस्टर पर दी गई जानकारियों का लोग पालन करते हैं? हाँ, देखो मेरा ये मानना है कि हमारे यहाँ अगर हम पोस्टर लगाते हैं तो आज व्यक्ति एक बार उसका पालन नहीं करता है, वो दो बार देखेगा, तीन बार देखेगा, तो धीरे धीरे उसके दिमाग में आएगा कि मुझे भी सफाई रखनी चाहिए और हो सकता है कि वो भी इन नियमों का, इस जानकारी का वो पालन कर सकता है। इसके बाद देखो कि कक्षा को साफ़ रखने, लाइट पंखे बंद करने आदि निर्देशों का एक पोस्टर बनाकर कक्षा में प्रदर्शित करें। तो आप भी इसी तरह से पोस्टर बना सकते हैं, जैसे मालती और उसकी टीम ने लोगों को जागरूक करने के लिए कई पोस्टर बनाए थे स्वच्छ भारत अभियान के तहत, वैसे आप भी अपनी कक्षा में कोई भी एक पोस्टर बनाकर लगा सकते हो। इसके बाद देखो कि आपके विद्यालय में कहाँ कहाँ सफाई की आवश्यकता है। देखो, सबसे पहले तो हमारे कक्षा कक्ष में ही होती है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं आपको पता ही है ना, कि पेंसिल को छीला तो उसका कचरा वहीं डाल देते हैं, तो नहीं, लेकिन हमारे विद्यालय में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमने तो हमारे कक्षा कक्ष में कचरा पत्र रखा हुआ है। इसीलिए कि जैसे कक्षा कक्ष में हो सकता है कहीं कहीं आवश्यकता हो, या फिर शौचालयों में आवश्यकता होती है, खेल के मैदान में आवश्यकता पड़ सकती है कि पेड़ के पत्ते वहाँ हैं वो गिर जाते हैं, तो इस तरह से हमारे विद्यालय में भी कुछ स्थानों पर सफाई की आवश्यकता हो सकती है। इसके बाद देखो कि आपके गाँव या नगर में कहाँ कहाँ सफाई की आवश्यकता है। देखो, जो भी सार्वजनिक स्थान होते हैं, जैसे गलियाँ, सड़कें, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, यहाँ पर सफाई की आवश्यकता हो सकती है। इसके बाद देखो, एक प्रश्न और है कि आपका परिवार आपके मोहल्ले और गांव की साफ़ सफाई रखने में क्या क्या योगदान कर रहे हो। हाँ, देखो, हम भी मालती की तरह
अपने परिवार के साथ, अपने मोहल्ले के लोगों के साथ मिलकर एक समूह बना सकते हैं, एक समिति बना सकते हैं। और हमारी समिति मिलकर क्या कर सकती है कि कभी भी किसी भी छुट्टी वाले दिन या जैसे रविवार को हम लोग मोहल्ले की जाकर सफाई करवा सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, पोस्टर बनवा कर लगवा सकते हैं और अपनी गली में कचरा पत्र भी रखवा सकते हैं और लोगों को ये बोल सकते हैं कि आप अपने घरों का कचरा इसी में ही डालें। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हमारा घर स्वच्छ होगा तो उससे हमारे घर के साथ साथ गांव भी स्वच्छ होगा, और अगर स्वच्छ घर और स्वच्छ गांव होता है यानी हमारे आसपास चारों ओर सफाई होती है तो इससे हमारा मन है वो खुश रहता है। और हमें अपना सारा सामान व्यवस्थित रखना चाहिए, तो सफाई को हमें आदत बनानी चाहिए। जब हम अपना सामान व्यवस्थित रखेंगे तो सफाई है वो स्वतः ही हो जाती है, यानी अपने आप ही हो जाती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।